आईपीएल डन एंड डस्टेड, अब बारी है आईपीएल 11 चुनने की। याद रखे, चार ओवरसीज प्लेयर्स और 7 इंडियंस होने चाहिए इस टीम में। हैशटैग आकाशवाणी। अब इस टीम में, क्योंकि सीजन बड़ा लंबा रहता है ना, मतलब 60 आप मुकाबले खेलते हैं, ऐसे 59 एक में नतीजा नहीं आया था, तो अगर इस तरह के मुकाबलों में जहां पे एक से बढ़कर एक, तू शेर तो मैं सवा शेर, ये टीम चुनना थोड़ा सा कठिन काम होता है। लेकिन देखिए, काम कठिन है तभी तो करने योग्य है। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट द टीम। क्या डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर के आगे आप किसी को रख सकते हैं? मतलब इज इट पॉसिबल टू चूज एन ओपनर जो उसका नाम वार्नर ना हो? तो मेरे विचार में बिल्कुल नहीं। ऑरेंज कैप इनके सर पे विराजमान डेविड वार्नर, मेरे पहले खिलाड़ी बतौर ओपनर उस टीम में, उनका साथ देंगे कमाल लाजवाब राहुल। अब यहाँ पे वैसे कंटेंडर्स काफी थे, अगर आप क्विंटन डीकॉक को देखें, आप क्रिस गेल को भी देख सकते हैं, आप रोहित शर्मा की तरफ शायद रुख कर सकते हैं, लेकिन मैं अब जॉनी बेस्टो भी एक्चुअली, बट मैं गया हूँ कमाल लाजवाब की तरफ। कंसिस्टेंटली खेले हैं और मेरे विचार में उनकी जगह बनती है। और याद रखें, जब चार ओवरसीज प्लेयर्स रख सकते हैं आप, तो तीन नंबर पे किसको खिलाएंगे? तीन नंबर पे मैं खिला रहा हूँ विराट कोहली को। मेरी टीम में तीसरे नंबर पे स्थान है विराट कोहली का, और कोहली का उनके स्टैंडर्ड से आईपीएल थोड़ा हल्का था, लेकिन फिर भी अगर बाकियों के सामने देखें तो लगता है कि आईपीएल का कमाल का था। ये इस खिलाड़ी की खासियत है, ये इस खिलाड़ी की काबिलियत है। तो मेरी टीम में नंबर तीन पर है विराट कोहली, नंबर चार पर मैंने रखा है ऋषभ पंत को। और पंत, शुरुआत में जब हमने मिड सीजन ये टीम बनाई थी तो पंत का नाम नहीं था, नीतीश राणा का नाम था, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे की तरफ चला ना, तो पंत ने अपना योगदान ज्यादा देना शुरू किया। मैच समाप्त भी करे, एक मैच मुझे याद आता है दिल्ली में किया, दूसरा मैच एक्चुअली जो एलिमिनेटर था वो उन्होंने ऑलमोस्ट जिताया। तो ऋषभ पंत का नाम यहाँ पे, क्या श्रेयस अय्यर का नाम हो सकता था या कोई और ऐसा नाम जो आपकी जहन में आता हो? इंडियन नाम रखना पड़ेगा क्योंकि चार ओवरसीज अलाउड है, मुझे लगता है पंत, तो मैं पंत के साथ गया। और इस टीम का कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अब तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। बतौर कप्तान, एक ऐसा कप्तान जो टीम को, मतलब कहते हैं कि अंडर 19 टीम दे दोगे ना इनको, तो भी अगर पीले कपड़े पहना दिए चेन्नई सुपर किंग्स के, उनको इतनी अथॉरिटी दी और कहा कि अपने हिसाब से टीम चलाओ, तो उस टीम को प्ले ऑफ में तो पक्का पहुंचा देंगे। तो कप्तान तो यही है, और इन्होंने करके ही बता दिया कि अपना जो सॉफ्टवेयर है ना बॉस, वो बड़ी जल्दी अपग्रेड होता है, अपडेट होता है। बैटिंग में भी इस साल टॉप क्लास रहे, तो महेंद्र सिंह धोनी इज माय कैप्टन एंड माय विकेट कीपर। नंबर 6 पर आंद्रे रसल। आंद्रे अंदर गेंदबाज, ऐसा बहुत बार हमने देखा, तो फिर आंद्रे रसल का होना तो लाजमी है, मतलब उसमें तो आप मेरे से कोई बहस कर ही नहीं सकते, आप मेरे से कभी डिसएग्री नहीं कर सकते। और उनके साथ ही एक और नाम जिसको आप कहेंगे बिल्कुल बनता है बॉस, क्योंकि हार्डिच नहीं है, इनके जैसा कोई हार्डिच नहीं है, नाम है हार्दिक पांड्या, ही इज बीन एब्सोल्युटली टॉप क्लास, तो वो मेरी टीम में जरूर है। और बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना यार, मतलब ऑब्वियसली अभी लग रहा है कि ज्यादा नीचे है। उसके बाद मैंने दो स्पिनर्स खिलाए और खिलाने भी चाहिए, वो है इमरान ताहिर, विकेट लेने में माहिर, भागते भागते एक बार कह रहे उनका टोल कट गया था, बहुत दूर भाग रहे थे, ऑलमोस्ट चले गए थे ग्राउंड के बाहर, जोक सपाट, ही इज बीन एब्सोल्युटली टॉप क्लास, लेग स्पिन, गूगली और घर पे विकेट, बाहर जाके विकेट। और इस पूरी आईपीएल का अगर एक गेम चेंजिंग ओवर होना तो पता है कौन सा था? जिस ओवर में उन्होंने क्रिस लिन और आंद्रे रसल को आउट किया था, दो इतनी बड़ी मछलियां एक ही ओवर में फंसा ली जाल में, और एक ऐसी पिच पर जहां पे टर्न ज्यादा मौजूद नहीं था, वो मुकाबला था ईडन गार्डन्स। तो मेरे विचार में इमरान ताहिर का सिलेक्शन इज मतलब इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, डिबेट ही नहीं हो सकती। और इनके साथ है श्रेयस गोपाल, मैं दो लेग स्पिनर्स के साथ उतर रहा हूं क्योंकि इन्होंने 20 विकेट चटकाई हैं और बड़ी बड़ी विकेट चटकाई हैं, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, एक बार नहीं दो दो बार उन्होंने ये काम करके दिखाया। तो मेरी टीम में तो इनकी जगह 100% बनती है। अगर आपको लगता है क्या राहुल चाहर आ सकते थे, क्या आप हरभजन सिंह को यहां रख सकते थे, क्या अमित मिश्रा या कोई और स्पिनर आपके जहन में आता है, रविचंद्रन अश्विन, बता सकते हैं, लेकिन मेरे विचार में श्रेयस गोपाल। और फिर मेरे दो फास्ट बॉलर्स, उसमें भी ज्यादा डाउट होगा नहीं, कगिसो रबाडा नंबर वन, उनको तो कोई मतलब रिप्लेस कर नहीं सकता, तो ही इज डेफिनेटली देयर। और दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन था कि आप खलील को रखना चाहेंगे क्या, या फिर आप बुमराह के साथ जुड़े रहेंगे, या फिर मतलब थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन में आप ईशान शर्मा को रखेंगे, या फिर दीपक चाहर को, जिन्होंने नई गेंद से लगातार विकेट चटकाई पूरे सीजन में, तो काफी सारे कंटेंडर्स थे। मैं गया हूं जसप्रीत बुमराह के साथ। बूम बूम अगर अवेलेबल है ना, फिर मुझे नहीं फर्क पड़ता कि डेथ में कौन करेगा, मिडल ओवर्स में कौन करेगा, नई बॉल से कौन करेगा, ही इज माय बैंक एंड ही इज इन माय टीम। आपकी क्या टीम है बता दो, नीचे कमेंट का सेक्शन है भर दो, इट्स अ फन एक्सरसाइज। तो हम आपस में गुफ्तगू करेंगे, आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन की बेल को बजाते चलो।